उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब बैठिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अंग्रेजों को कहते जल्दी आए, बुड्ढा भाग रहा है। ही हमने आपने उनको गिरफ्तार करवाया, पहले अपना अपने को झाके दूसरों को। अच्छा एक बात बताओ, आज भी मुझे महाराजगंज का नहीं पता लेकिन कानपुर का पता है मुझे, आज भी तुम्हारी मुखबिरी करने वाले थानों में मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है, कौन ज्यादा है बोलो? बात शायद कड़वी हो, बुरी लगे, वरना मुसलमानों के पूरी टीम जिनका काम ही है जरा सा चंद सिक्कों के लिए मुखबिरी करना, तुम्हारी दलाली करना, और होते हैं कि अल्लाह दुनिया मर जाए हम जिंदा रहे। काहे मर जाए भाई, तुम जिंदा क्यों रहो, मुखबिरी करो, दलाली करो। जी जी तुम दुनिया को कोसोगे, गोशबंदी हुई, कानून की बात, कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी ने खामोशी से गोश काट लिया, लोग परेशान है, चलो तो जाकर थाने में शिकायत करने वाला भी आप ही का भाई है। और शिकायत भी किस बुनियाद पर? इसलिए नहीं कि कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा, हो गया कि हमें कलेजी चाहिए, हमें गुर्दा चाहिए, गलत बिक चुका अगर दो, वरना नहीं दिया, जाकर थाने में शिकायत कर दी और बेचारा गिरफ्तार हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत तो नहीं कह रहा, फिर क्या रोना रोना? दुनिया का रोना रोकर काम चलेगा, पहले अपने को देखना पड़ेगा। खैर मैंने कहा टीपू सुल्तान की खिदमत, ये जो उलमा इकराम 1857 में हमारे अकाबिर ने मैदान जंग में जंग लड़ी, हाफिज जामिन शहीद बहुत बड़े वक्त के कुतुब और अब्दार बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और मैदान जंग में मौजूद थे, अंग्रेज शिकस्त खा रहे थे, किला बंद हो गए थे, किसने कहा हजरत ये किला खुले ताकि हम अंदर जाकर कब्जा कर सके? फरमाया किला तो खुल जाएगा लेकिन फिर मैं नहीं रहूंगा। यही हुआ, किला खुला, दुश्मन ने फौरन आप पर गोली चला दी, शहीद हो गए। और आपके मुबारक जिस्म को मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान से अपने कंधे में लाद करके थाना भवन तक 12 किलोमीटर इस मुकद्दस जिस्म को अपने कंधे में लाद कर लेकर आए और थाना भवन में दफन हुए। इन अकाबिर ने इनने खिदमत में का थोड़ा सा आप समझ लें, जमीतुलमा है क्या इतनी देर से जमीतुलमा सुन रहे? ये जो मैंने मौजू छेड़ा को कुछ जमीतुलमा क्या है आपको बतलाऊं, सुनना चाहते हैं आप इसको कि नहीं सुनना चाहते? हाँ तो आप कहेंगे हमको सुनना ही नहीं है, फिर क्यों सुनाओ फालतू में? अपनी खिदमत सुनिए अपनी। एक हीरा पैदा होता है, दारुल देवबंद के क़याम में सबसे पहला शागिर्द होता जिसका छोटा सा नाम महमूद होता और उसका उस्ताद भी महमूद नाम का मुल्ला महमूद होते। अनार के दरख्त के नीचे वो अपने तालीम की इब्तिदा करता है, गौर से सुनिएगा। और मौलाना कासिम नानोतवी का ये शागिर्द रशीद उनकी फिक्र को लेकर के बोरिया में बैठ जाता है, लोगों को तैयार करता, मुल्कों को आजाद कराना है। 30-40 साल तक ये बंदे खुदा मेहनत करता है और 1857 और फिर 60 और 67-66 में दारुल देवबंद कायम हुआ और उसके बाद 78 में फला अलीगढ़ कायम हुआ और 96 में दारुल नदवा कायम हुआ। आगे 19वीं सदी 1909 में एक तंजीम बनाते हैं, फिर 13 में बनाते हैं। सुनो 1915 में ये मर्द खुदा आलमी जंग होती है, दुनिया में दो आलमी जंगें हुई हैं और करोड़ों इंसान मारे गए। और अजीब और गरीब बात यह है कि दोनों आलमी जंगों में दोनों फरीक ईसाई थे। कौन थे? और इल्जाम किस पर है कि साहब मुसलमान लड़ाकू होते हैं, झगड़ालू होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। ये करोड़ों लोगों को मारने वाले यमन पसंद है और यहाँ सैकड़ों को भी न मारने वाले जालिम है। दुनिया में बिल्कुल अंधेर चल रही। वो एक हिंदी उर्दू में मकूला है ना, आज की मौजूदा दुनिया अमेरिका से लेके हमारे मुल्क तक जो लोग भी दहशत गर्दी से जोड़ते हैं आपको, उनका हाल यही है कि सूप तो सूप हंसे, छलनी भी हंस रही है जिसमें 72 सुराख, उसकी भी औकात भूल गई अपनी। उन्होंने सन 1915 में जब दो ग्रुप दुनिया पे टकरा गए, एक ग्रुप का सरबरा था जर्मन और एक ग्रुप का सरबरा था बरतानिया इंग्लैंड जिसका हिंदुस्तान में कब्जा था अंग्रेजों का, तो शेखुल हिंद
यही महमूद जो कल को शेखुल हिंद बनाना महमूद हसन देवबंदी, सन 1551 में पैदाइश, सन 66 में दारुल देवबंद कायम हुआ, उसके पहले शागिर्द है, और वही मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद वही पढ़ाने बैठ गए, और पढ़ाने के साथ साथ वही पर मुल्क की आजादी के लिए दिल में आग लगी है। हमारा मुल्क आजाद मुल्क, इसको गुलाम बना लिया गया। सन 15 में हजरत ने एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक का नाम है तहरीक रेशमी रुमाल। क्या नाम है? एक तहरीक है, इसका ज्यादा तारुफ हमें नहीं कराना, हम आपको बतलाएं। हजरत ने एक हुकूमत बनाई, जिला वतन हुकूमत, इसलिए कि दुनिया से अगर रابطہ करना है तो कोई हुकूमत होनी चाहिए ना, और यहां पर अंग्रेजों का कब्जा, हजरत ने एक जिला वतन गैर मुल्क में हिंदुस्तान की हुकूमत बनाई, जिसको जिला वतन हुकूमत कहते हैं। सन 15 में कहां बनाई? अफगानिस्तान में, वो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थी। और सुनो जमीयत उलमा की फिक्र और उलमा की फिक्र, आज भी वो फिक्र हमारी मौजूद है, और हम इसी फिक्र पर चल रहे हैं। हम अपने बिरादराने वतन को भी बतलाना चाहते हैं और आपको भी बतलाना चाहते हैं कि जमीयत उलमा की फिक्र क्या है, हमें इस मुल्क में क्या करना है, किस तरह रहना है, क्या थ्योरी अपनाना है, किस नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। हमारे बड़ों ने नजरिया तय कर दिए, इसको भी नोट कर लो। हजरत ने जिला वतन हुकूमत बनाई, सदर बनाया, वजीर आजम बनाया, वजीर दाखिला बनाया, वजीर खारजा बनाया, यानी हुकूमत के जितने नुमाइंदे। क्यों? ताकि वो इंग्लैंड और अंग्रेजों के खिलाफ जो महाज है जर्मन का, उनसे राब्ता करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का काम करें। ये इतना बड़ा प्लान, और उसका सदर किसको बनाया? सुनो थ्योरी, सुने पहुंचावे बिरादरान वतन तक। सदर बनाया राजा मोहिंदर प्रताप सिंह को। किसको बनाया? यानी जमीयत उलमा ने मुल्क का मुस्तकबिल तय कर दिया कि जब मुल्क में मुसलमान भी है, बिरादरान वतन भी है, तो ये मुल्क चलेंगे, मिलके चलेंगे तो मुल्क बढ़ेगा, लड़के चलेंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और क्या हम मुल्कों को बर्बाद होने देंगे? ये पूरा मजमा ये अहद करके उठेगा, हमारा अहद है, लेकिन फिर अहद करके उठेगा कि हम मुल्कों को न बर्बाद करेंगे न बर्बाद करने देंगे किसी को। पक्का वादा? हाथ उठा के बतलाओ। मुल्क हमारा है, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं। जिस तरह अपने घर को हम बर्बादी से बचाते हैं, ये मुल्क हमारा घर है, हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे। हम ना किसी पे एहसान करेंगे ना किसी का दबाव। कोई ये ना समझे हम किसी के दबाव में आने वाले। ईमान वाला दुनिया में कभी किसी से दबता नहीं है, न दबाता, न दबता है ना। वो तो कहता कि तुम भी खुल के रहो, हम भी खुल के रहे, दोनों मोहब्बत के साथ रहे, तुम भी आजाद रहो, हम भी आजाद रहे, मिलकर मुल्कों को आगे बढ़ाए, न तुम दबो न हम दबे, दोनों मिलकर दोस्त बन के रहे। क्या बन के रहे? तो मुसलमान न दबता है न, हाँ ये नहीं कि हमें पावर मिल जाए तो हम दबा ले जाए, नहीं, न दबना है न दबाना है, बल्कि बराबरी के साथ मुल्क की खिदमत करनी। तो हजरत ने राजा मोहिंदर प्रताप सिंह को सदर बनाया, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को वजीर खारजा बनाया, मौलाना डॉक्टर बरकतुल्ला भोपाली को वजीर दाखिला वजीर आजम बनाया, और भी इसी तरह। और उस हुकूमत ने जर्मन से राबता किया, अल्लाह का करना था रास पास हो गया, खास पैगाम था जो पैगाम आउट हो गया, और भी हमारे आदमी लापरवाही से हुआ। अब बीच बीच में हम ये बात भी कहते जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना जाकर, आज भी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार हम होते जा रहे हैं। ईमान वाला तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार और अमानतदार होता था। अमानत जिस तरह दौलत की होती है, ऐसे अमानत बातचीत की होती है। आपसे कोई पैगाम दिया जाओ, फला को पहुंचा दो, तो ईमानदारी के साथ, राजदारी के साथ वो पैगाम वहां तक पहुंचाना एक खास पैगाम था। एक रुमाल में लिखा हुआ था जिससे तहरीक रेशमी रुमाल कहलाई, वो पहुंचाना था फला को, फला से फला तक, वहां से शेखुल हिंद तक जाना था। उसमें मुल्क का पूरा निजाम और सिस्टम था, तय हो गया था जर्मन हुकूमत से कि फला तारीख को, फला सन की फला तारीख को, फला दिन आप हिंदुस्तान पर अटैक कर दे, हिंदुस्तान पर नहीं, अंग्रेज हुकूमत पर, और हम सारे हिंदुस्तानी, क्या हिंदू क्या मुसलमान।